का ऑर्डर कॉपी सीआरपीसी में एक होता है, आपको नोटिस देना है 133 सीआरपीसी के अंदर में जो है, आपको एक नोटिस देना है, आपको हियरिंग करना है, और हर हियरिंग में नोटिस मिलने का बात भी नहीं आता है, वहाँ में सेक्शन 134 क्लियर होता है कि उसमें हम ऑर्डर पास कर सकता है, क्योंकि 133 सीआरपीसी जो है 144 से थोड़ा कम अर्जेंट है, लेकिन ये भी एक अर्जेंट नेचर ऑफ ये है, इंफोर्समेंट होता है। और जहाँ तक नोटिस हम लोग दिया गया है सबको, सिर्फ एक को छोड़ के, तो नोटिस देने का बाद वो लोग नहीं आया है, तो उसमें में जो एडवोकेट आया था वो काफ़ी लोगों को रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें से किस किस को वो रिप्रेजेंट किया वो डिटेल्स फाइल में देखना होगा। और अभी जैसे उसमें एक नाम जो आगे में देखा था, तो उसमें किंग डोका का नाम है, जो कि वो खुद कोर्ट में प्रेजेंट था और कोर्ट में ओपन प्रोनाउंसमेंट किया था जैस्मिन को भी, तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि किसी को अगर कागज़ नहीं मिला है, तो हम जब वहाँ में इविक्शन के लिए जब स्पोर्ट में आया था, उन लोग प्रेजेंट था, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हमको कागज़ नहीं मिला, मेरा ऑर्डर नहीं मिला, मेरा पास सारा ऑर्डर लेके मैं ऑर्डर करा था, कोई मांगने से दे देना था उस पर, तो कोई तो मांगा नहीं है, और इसलिए और अभी कौन से ऑर्डर को मांगा पता नहीं। देखो आप कोर्ट का जो हियरिंग है कम समय बोल के नहीं है, आधा महीना बहुत बड़ा समय होता है, हाफ मंथ। अगले महीना जो 29-28 होता है, उस समय में आपको नोटिस दिया गया है। नोटिस में तीन चीज़ रहता है, एक है स्टेटस को, आप उस रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एरिया का अंदर में जो जो लोग जानते हुए कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, 2011 में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने उसको एक नोटिफिकेशन ऑल अरुणाचल जितना हेलीपेड एरिया है उसको दिया गया है, 04-02-2011 फाइल नंबर में DCA/DGCA पार्ट टू के अंदर में प्रमुलगेट किया है कि 100 मीटर का दूरी में पैरापेट जो वाल होता है उस रेडियस का अंदर में कोई भी हालत में घर नहीं बनाना है, घर सिर्फ नहीं है ना, घास भी नहीं लगाना है। 2011 4 तारीख 2 महीना में दिया गया है। उसके बाद और भी हमारा डीसी का यहाँ से 2012 में इसको फिर से प्रमुलगेट किया गया है, 03-01-2012 में डीसी ने फिर इस जगह को फिर नोटिफाई किया गया कि आप लोग कोई भी हालत में इधर घर नहीं बनाना है या घास तक नहीं लगाना है। सर तो जो सर विक्टिंग फैमिली है सर, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉम्पेंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? और नहीं, कॉम्पेंसेशन जो है ये अलग बात है, कॉम्पेंसेशन जो है सरकार देना चाहता है वो हम इसको मेरा साइड से नहीं होता है, क्योंकि मैंने जो भी एक्शन लिया है वो सीआरपीसी के तहत लिया है। सीआरपीसी में 133 सीआरपीसी जो एक ऐसे जहाँ पब्लिक एक्सेसिबल होता है, पब्लिक का रास्ता होता है, जो जिसे वहाँ में हाईवे का जो है ये जो ट्रैफिक ये फ्लाइट हेलीकॉप्टर का जो ट्रैफिक है वो रास्ता है, उस रास्ता में ये 100 मीटर का जो रिस्ट्रिक्टेड किया गया है उसको लेके काफ़ी सिविल एविएशन का चिट्ठी है कि अगर ये सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिया जाएगा तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस भी बंद किया जा सकता है। इसलिए हमारा अरुणाचल में आप लोग को मालूम है 99% एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट
पूरा हिलोक सिलोक से आप देखिए अभी रागा है, कोलोरिंग है, सारली हुरी दामिन है, कहीं भी हो, कहीं भी बीमार कोई सीरियस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे समय में हमारा हेलीकॉप्टर सर्विस हमारा काम देगा ड्रीम्स हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। इसलिए ये हेलीकॉप्टर को तो सर्विस को तो हमें बचाना है। हमारा जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन हमारा जो दिया है, ये एक नोटिफिकेशन है। यहाँ में भी कहीं भी इन्वोक नहीं किया, एरोड्रोम एक्ट को यह इन्वोक करना होता है। एरोड्रोम का एक्ट का इस सेक्शन के इस सेक्शन के ऊपर में हम इन्वोक करता है बोल के यहाँ में ना डीसी ने दिया ना ये आपका जो 2011 में कमिश्नर ने दिया। तो सर आपका कहना कहने का मतलब ये कि इन लोगों को ये कंपेंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से, देखिए कंपेंसेशन गवर्नमेंट देता है कि नहीं देता है वो अपना बात अलग जगह में है, लेकिन कानून नहीं बताता है कि उसको कंपेंसेशन देना है। 2014 में भी एक बिल्डिंग तोड़ा गया। तो सर इन लोगों का ये भी कहना है कि जो इविक्शन हुआ है सर सिर्फ ये पीछे एक साइड को क्या आगे को लेके इसको लेके हाँ ये बात तो सही है कि चार कॉर्नर होता है, पिल का चार कॉर्नर है, तो तीन कॉर्नर को खाली करने को कहा गया है। तीन कॉर्नर चार कॉर्नर में से तीन कॉर्नर को खाली करने के लिए इविक्शन करने का है। और जो एक कॉर्नर है जहाँ पे अराइवल डिपरेचर जहाँ हैंगर रहता है, जहाँ ऑफिस स्ट्रक्चर्स है, तो उस पे वो सिविल एविएशन का कहना है कि ये डेड एंड है, यहाँ में हमारा ऑपरेशन का आने का जाने का पॉइंट नहीं बनता है, इसलिए ये तीन कॉर्नर में इविक्शन करना है। इसलिए उस वो बात सही है, एक डेड एंड वाला को इविक्शन नहीं किया गया है, जिसके लिए अभी सरकार जो है एक हमको चिट्ठी मिला है उन लोगों का। अभी एक चिट्ठी जो है यहाँ आप देख सकता है, ये डायरेक्टर सिविल एविएशन ने एक चिट्ठी दिया है कि उन लोग इस फिर से वो लोग सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, और जब तक वो सर्वे ख़त्म नहीं होता है इविक्शन रोकने के लिए कहा गया है। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू होल्ड बैक फर्दर इविक्शन टिल फाइनलाइजेशन ऑफ ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सर्वे ऑफ नाहरलगुन हेलीपैड बाय द डिप्टी कमिश्नर एंड द एजेंसी अप्रूव बाय द DGCA। तो इसीलिए हम लोग आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को हम लोग तालापट्टनम जी को हम लोग मिलने आया है। हम लोग का वही रिक्वेस्ट है कि एविक्शन ऑर्डर तो एटलीस्ट दे दो। तो हम लोगों ने आज उनको सबमिशन किया है, एप्लीकेशन लिखा है कि एविक्शन ऑर्डर एटलीस्ट हम लोग को प्रोवाइड कर दीजिए। हम लोग का घर को तो उसने डिसमेंटल कर दिया ऑलरेडी, आई थिंक 1 month बैक पहले। एडिशनल मजिस्ट्रेट साहब बोला है कि हम लोग को 2-3 दिन का बाद एविक्शन ऑर्डर कॉपी दे देगा। और दूसरा बात उसने कहा कि ऑलरेडी एक एडवोकेट को दिया है। वो एडवोकेट का कहानी ऐसा है कि मिस्टर वन ऑफ द विक्टिम है किंग दोका और तालापट्टनम जी का बीच में व्हाट्सएप में कुछ उन लोग पर्सनल चैट हुआ था, तो तालापट्टनम जी ने उसको शो कॉज नोटिस दिया है। उसका केस अभी CGM में चल रहा है UPI में, तो उसी रिलेटेड में उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स फर्निश किया है उनका एडवोकेट को। बट अभी तक हम लोग एज ए इंडिविजुअल हम लोग लैंड ओनर लोग को हम लोग का घर को जिसको डिसमेंटल गया है उसका कॉपी अभी तक हम लोग को इविक्शन ऑर्डर का कॉपी अभी तक नहीं दिया। तो हम लोग अभी बिना इविक्शन ऑर्डर का पुटुम साहब ने इविक्शन तो कर दिया, इसीलिए हम लोग एज ए हम लोग जो लैंड ओनर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है कि एटलीस्ट हम लोग का इविक्शन ऑर्डर तो दे दो, घर तो डिसमेंटल कर दिया है जी। हम लोग आपका मीडिया का द्वारा से ये बताना चाह रहा है कि हम लोगों ने CM साहब को भी लेटर लिखा है और मिनिस्टर साहब हमारा जो नकब नलोजी है उनको भी लेटर लिखा है। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग का पेपर को कागज़ को मेमोरेंडम को जो कंपनसेशन जो घर को डिसमेंटल किया है 9 घर जो डिसमेंटल किया हुआ है तो उसको कंपनसेशन के लिए उन लोग पेपर भेजा है बोला, लेकिन वो पेपर जो है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कहीं एक दौर से जाके ये जो समय इतना ले लिया। अभी एक महीना से बाकी जो लोग जिस घर को डिसमेंटल किया है वो लोग बाहर में ऐसे प्लास्टिक व्लास्टिक बांध के टीना डाल के कहीं में गैस वेस खाना बाहर में बना रहे। तो हम लोग इमीडिएट रिलीफ के लिए DC साहब को भी लेटर लिखा था, लेकिन DC साहब ने भी कहा कि इनका लेटर को वो फॉरवर्ड कर देगा। तो हम लोग का जो रिलीफ के लिए हम लोग जो मेमोरेंडम दिया है वो कागज़ ऐसे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऐसे राउंड द क्लॉक में घूम रहा है, तो अभी तक उसका कुछ सोल्यूशन नहीं आया।